कोरोना वायरस जानलेवा है, ये जानते हुए भी अपनी जान जोखिम में डालना कोई साहसिक कदम नहीं माना जा सकता। किंतु 2 जून की रोटी भी तो जीवनदायिनी होती है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। कोरोना वायरस ने कमर तोड़ कर रख दी है, लेकिन हम बात मजदूर वर्ग की कर रहे हैं, जिसे दिन भर कमा कर शाम को भोजन पकाना है और परिवार को पालना है। शासन प्रशासन लाख जागरूकता अभियान चलाए कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क से चेहरे को ढककर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जरूरी अगर ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। शायद ये सब करने के लिए मजदूर के पास कुछ नहीं है, जीवन बसर करने के लिए मजदूर मजदूरी करें यही जरूरी है, और यही चल रहा है हमारे छिंदवाड़ा जिले में। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। जी हाँ, जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन और निगम अमले को तेजी से संक्रमण रोकने के लिए कार्य करने की जरूरत है। इसके उलट कोरोना संक्रमण रोकने के प्रयासों में लापरवाही साफ नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं रेलवे स्टेशन के मालधक्का क्षेत्र की, जहाँ पर मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर 2 वक्त की रोटी के लिए काम कर रहे हैं। मजदूरों के लिए ना तो किसी प्रकार के मास्क उपलब्ध कराए जाते हैं, ना ही उनकी कोई जाँच व्यवस्था की गई है, ना ही ऑक्सीमीटर है, थर्मल स्कैनर जैसी कोई सुविधा उन्हें नहीं दी गई है। हमारी वॉइस ऑफ राइट्स टीम के मौके पर पहुंचते ही तो कुछ मजदूर मास्क लगाए काम करते नजर आए। दरअसल छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन में सवारी गाड़ियां का संचालन बंद है, लेकिन मालगाड़ी में सामान आ रहा है, जिसमें अनाज यूरिया समेत कई महत्वपूर्ण आवश्यक वस्तुएं सप्लाई हो रही हैं। रेलवे स्टेशन के माल धक्का में जब गाड़ी से सामान उतरता है तो 250 से 300 मजदूर एक साथ काम करते हैं। इन मजदूरों की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार का कोई इंतजाम रेलवे स्टेशन पर नहीं किया गया है। ताज्जुब की बात तो यह है कि रेलवे प्रबंधन जिला प्रशासन की नज़र इस लापरवाही की ओर जा ही नहीं रही है। इनमें से कई मजदूर गांधीगंज क्षेत्र में व्यापारियों और उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों में काम भी करने जाते हैं। एक संक्रमित मजदूर भी क्षेत्र में बड़ा संक्रमण फैला सकता है। गांधीगंज क्षेत्र में बुरी स्थिति है। शहर का प्रमुख व्यापारिक केंद्र गांधीगंज है, जहां अधिकतर व्यापारी इन्हीं ट्रेनों से आने वाले माल तो लेते हैं और यही मजदूर इस काम में लगते हैं। गांधीगंज क्षेत्र में फिलहाल कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। वैसे तो इलाके में 30 से अधिक कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, लेकिन हकीकत यह है कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कई व्यापारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जो जानकारी छुपा कर चुपचाप नागपुर में इलाज करवा रहे हैं। ऐसे में जरा सी भी लापरवाही बड़ी घटना संक्रमण का संकेत देखना है कि प्रशासन इस मामले में कब संज्ञान लेता है और यहाँ के मजदूरों को किस प्रकार से सुविधाएं उपलब्ध कर। यहाँ पर कम से कम 200 से 250 280 मजदूर करीब काम कर रहे हैं, रैक उतार रहे हैं। क्या व्यवस्था की जा रही है कि इनको कोरोना ना फैले, और ये काफी बड़ी बीमारी जिसको लेकर छिंदवाड़ा में सरकारी तरफ से यहाँ कोई व्यवस्था की गई है? सरकार की तरफ से नहीं, हम स्वयं अपनी तरफ से ये है कि डेटॉल हुआ, सैनिटाइजर, इनकी व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे मजदूर भाई लोग खुद अपने सैनिटाइजर की व्यवस्था भी करते हैं। अभी भी जैसे उनको लगा कि क्वांटिटी कम हो गई है तो लेने गए हुए 2 आदमी, वो खुद ला रहे हैं, अपनी व्यवस्था करते हैं। रहा सवाल मास्क का, तो अब जैसे मजदूरी कर रहे हैं तो कंटिन्यू मास्क पहन के समस्या रहती है, तो अपने हिसाब से कभी गमछा लगा लेते हैं, कभी रुमाल बांध लेते हैं। जिसको मास्क में ईजी पड़ता है वो मास्क में कर लेता है, जिसको जैसी सहूलियत उस हिसाब से अपना काम करते जाते हैं। क्या नाम है आपका? वॉइस ऑफ राइट्स के लिए छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।